बिग बॉस सीजन 17 में कल काफी कुछ देखने को मिला। घर में भवंडर आ गया, जहां पहले मुनव्वर और अरुण की पराठे चोरी को लेकर लड़ाई हुई, वहीं ऐश्वर्य और विकी के बीच नॉमिनेशन की वजह से तूतू मैमे हो गई। और इसके साथ साथ जानिए कौन कौन हुआ नॉमिनेट। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट रह न जाए। दिमाग के मकान वाले डिस्कस करते हैं कि अरुण ने उनके पराठे चोरी कर लिए हैं। मनारा ने बताया कि 8 से 10 थे और उन्होंने ही रखे थे। फिर मुनव्वर जाकर अरुण और तहलका से बोलते हैं कि हमारे पास खाना नहीं है, किसी कुत्ते के पिल्ले ने हमारे पराठे चुरा लिए, तो दोपहर में खाना हम बनाएंगे। समर्थ ने कहा कि आटा ले लो। मनारा ने कहा कि उन्होंने 10 रखे थे और उसमें से सिर्फ 4 बचे हैं। अनुराग बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। फिर गाली की वजह से अरुण दिमाग के मकान में जाते हैं और मुनव्वर से लड़ते हैं। कहते हैं कि जब चाय पत्ती चोरी हुई तब तो तुम कुछ नहीं बोले और यहाँ आकर गाली दे रहे हो। फिर अनुराग चाबी भरते हैं कि मुनव्वर ने ये भी कहा है कि जाकर दोनों को सुला दो। बिग बॉस ने सभी घर वालों को चौक पर इकट्ठा किया, वहाँ नॉमिनेशन का टास्क डिस्कस किया, बताया कि एक एक मकान एक्टिविटी एरिया में आएगा। ईशा ने नील और अंकिता को नॉमिनेट करा, अंकिता ने नील और ऐश्वर्या को नॉमिनेट करा, वहीं ऐश्वर्या ने अंकिता और विकी को नॉमिनेट करा। फिर विकी ने ऐश्वर्या और नील को बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया। इस दौरान फिर चारों में झगड़ा हो जाता है। दिल के मकान से अंकिता, नील और ऐश्वर्या नॉमिनेट हो जाते हैं। ऐश्वर्या और अंकिता के बीच बहस शुरू होती है और फिर इसमें नील और विकी शामिल हो जाते हैं। ऐश्वर्या पहले विकी को डरपोक बोलती हैं, फिर अंकिता को चुड़ैल बोल देती हैं। तो विकी जैन का पारा हाई हो जाता है और वो ऐश्वर्या से लड़ने लगते हैं, लेकिन ऐश्वर्या भी पीछे नहीं हटती, बराबरी के साथ लड़ती हैं। हाथापाई पर बात ना पहुंच जाए इसलिए नील और अंकिता बीच बचाव में आ जाते हैं। इसके बाद ऐश्वर्या और नील भी फिर से लड़ने लगते हैं। अब इतना सब एक साथ होने के बाद आगे क्या होगा ये देखना तो इंटरेस्टिंग होगा ही, लेकिन आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए ENT लाइव पर।